अगर आप Redmi Note 10 S यूज़ करते हो भाई इंडिया में, तो भाई यहाँ पर MIUI 14 का जो ऑफिशियल यहाँ पर अपडेट आया हुआ था, वो अपडेट Xiaomi ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि यार ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ Redmi Note 10 S और Redmi Note 10 Pro और Max की, तो भाई Redmi Note 10 Pro और Max का भी MIUI 14 का जो अपडेट है वो सस्पेंडेड यहाँ पर चल रहा है। मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये अपडेट जो है वो अभी आपको पता भी नहीं चला होगा, ये अपडेट सस्पेंड हो चुका है। इसको मैंने कल चेक किया था तो यहाँ पर ये अपडेट जो सस्पेंडेड था, लेकिन आज इसको मैंने चेक किया तो यहाँ पर एक नया अपडेट जो है सेम वर्जन अवेलेबल है Xiaomi के सर्वर पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन सा अपडेट यहाँ पर सस्पेंडेड है और अभी Xiaomi ने अपने सर्वर पे कौन सी फाइल यहाँ पर अपलोड कर दी है, जिस अपडेट को आप इंडिया में अभी फ्लैश कर सकते हो और आपके फोन में यार Redmi Note 10 में जितने भी बग्स आ रहे थे वो भी यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए भाई। चैनल पर अगर पहली बार है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पर देखते हैं कि भाई Xiaomi ने कौन सा अपडेट सस्पेंड किया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे फोन में कौन सा अपडेट चल रहा है। अभी आप देखोगे यह है Redmi Note 10 S 14.0.2.0 यहाँ पर ऑलरेडी हमारे डिवाइस में चल रहा है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है वो एंड्रॉइड 13 के साथ यहाँ पर आया हुआ था, जो कि हमने ऑलरेडी अपने डिवाइस में यहाँ पर फ्लैश किया हुआ है। लेकिन यार ये अपडेट Xiaomi ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है। क्योंकि मैं एवरी 10 डेज इसको फ्लैश करता हूँ, तो डाउनलोड फोल्डर में मैं अगर जाता हूँ तो रोम डाउनलोड में जाऊँगा तो आप यहाँ से देख सकते हो ये रोजमेरी ग्लोबल रोम है, यानी कि इंडिया की है, IN का साइन है। 14.0.2.0 का अपडेट है और ये एंड्रॉइड 13 बेस्ड अपडेट है जो कि हमारे डिवाइस में अभी चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस फाइल को यहाँ पर फ्लैश करने की कोशिश करूँगा तो फाइल फ्लैश नहीं होगी, क्योंकि ये जो फाइल है वो ओल्ड वाली है, जो हमारे फोन में स्टेबल अपडेट आया था, हमने तभी डाउनलोड करा था, तभी इंस्टॉल किया था और यही अपडेट हमारे फोन में अभी तक चल रहा है। तो चलिए मैं इस फाइल को आपको यहाँ पर एक बार जो फ्लैश करके दिखाता हूँ तो आपको एक्जैक्टली एक आइडिया लग जाएगा कि ये अपडेट Xiaomi ने सस्पेंड कर दिया है। तो चूज पैकेट में जाऊँगा, यहाँ पर आप देखोगे 3 डॉट पे चूज पैकेट में आप चले जाइए और उसके बाद ही Redmi Note 10 S में जाना है। डाउनलोड फोल्डर मैंने इस फाइल को रखा है। अभी आप देखोगे रोम डाउनलोड यहाँ पर आपको मिलेगी, ये वाली जो फाइल है आप देख सकते हो ये 3.5 GB की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा वाईफाई भी कनेक्टेड है और उसके बाद इस सर्वर से ये फाइल को, मतलब जो फाइल है इसको यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फाइल फ्लैश होगी या नहीं होगी, क्योंकि यार ये वाला जो अपडेट है वो Xiaomi ने सस्पेंड कर दिया है। यार इसी वजह से बहुत ज़्यादा बग्स हैं, बहुत हैवी बग्स हैं हमारे डिवाइस में, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आप देख सकते हैं कांट वेरीफाई द अपडेट। और अभी आप देखोगे कांट इंस्टॉल अनऑफिशियल रोम, तो ये जो है फाइल जो है वो अनऑफिशियल कर दी है। इस फाइल को यहाँ पर Xiaomi ने अपने सर्वर से हटा दिया है। अभी हम कैसे लेटेस्ट अपडेट को फ्लैश करेंगे अपने फ़ोन में, तो भाई यहाँ पर इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो Xiaomi ने अपने ऑफिशियल सर्वर पर रिलीज़ कर दिया है। ये आज की डेट में आया, क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से चेक कर रहा हूँ तो ये फाइल जो थी यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रही थी, बार बार जो है वो करप्ट हो रही थी, बार बार दिक्कत क्रिएट कर रही थी, तो कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी। इस फाइल को हम अपने फ़ोन में कैसे फ्लैश करेंगे? अगर आपके फ़ोन में भी पहले वाला अपडेट चल रहा है Redmi Note 10 S का, तो भाई वो अपडेट सस्पेंडेड है, उसको आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन उस अपडेट में बहुत ज़्यादा बग्स हैं, इसकी वजह से Xiaomi ने इस फाइल को यहाँ पर जो है सस्पेंड कर दिया है। अभी हम नई वाली फाइल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम लेटेस्ट फाइल है और ये आज मॉर्निंग में ही मुझे लगता है कि ये फाइल को जो Xiaomi ने अपने सर्वर पे अपलोड किया है, क्योंकि अगर मैं कल तक मैंने इसको चेक किया तो ये फाइल जो थी यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही थी। अभी हम आपको यहाँ पर पूरा क्लियर मेंशन करके दिखाएंगे कि इस फाइल को हमें कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने अपने फोन में इस फाइल को डाउनलोड किया था और मैंने फ्लैश भी कर लिया है। तो आप मेरे फोन की एक बार परफॉर्मेंस देख लो यार, बहुत ज्यादा लैग, मतलब पहले बहुत ज़्यादा लैग था लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस जो है वो इस फोन में आप देखने को मिल रही है। कैमरा भी ओपन करोगे तो एकदम से हो जाता है इस तरीके से, फ्रंट वगैरह जो है कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा, सब कुछ एकदम परफेक्टली यहाँ पर चल रहा है। और आप फोन की परफॉर्मेंस देखो, मतलब कितना स्मूथ यहाँ पर फोन जो है वो हो गया है, तो मतलब काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी सुधार किया गया है। तो अभी हम इस फाइल को कैसे डाउनलोड करके फ्लैश करें, उसका क्या प्रोसेस, क्योंकि भाई इसका लिंक अभी नहीं आया है, ये आपको सर्वर पे देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है और उसके बाद अबाउट फोन में जाना। ये जो अपडेट मैं बता रहा हूँ ये भी स्टेबल अपडेट ही रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर MIUI पे चले जाइए और उसके बाद आपको यहाँ पर 8 से 10 बार इस पर जो है टैप करना पड़े कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपके एडिशनल फीचर ऑन नहीं है तो ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, तो ये फाइल सिर्फ आपको यही मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं ये फाइल अब यहाँ से डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको सुबह मॉर्निंग में डाउनलोड किया तो ये फाइल डाउनलोड हो गई। तो मैंने एक बार अपने फ़ोन में इसको एक बार फ्लैश कर लिया है तो हमारे फ़ोन में जो स्टेबल अपडेट है वो अब आ चुका है, जिसकी वजह से आपने देखा कि फ़ोन कितना ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर चल रहा है और ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो रही है। और ये फाइल जो है वो 3.5 GB की है, तो आपको फ़ोन में अपने कम से कम 4 GB डेटा को मेंटेन करके रखना, तभी आप इसको डाउनलोड करना। तो आप इस फाइल को एक बार डाउनलोड करके फ्लैश कर लो, आपके फोन में जो यहाँ पर क्रिप्टेड और यहाँ पर जो मतलब सस्पेंडेड अपडेट चल रहा है वो आपके फोन में यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा।
तो आपको बस यही करना है और आप अपने लेटेस्ट अपडेट में आ जाओगे, क्योंकि इस अपडेट में बहुत ज़्यादा बग्स थे पहले वाले में, इसी वजह से Xiaomi ने उस अपडेट को यहाँ पर सस्पेंड किया है। तो आपको ये 100% डाउनलोड करने के बाद एक बार यहाँ पर आपका जो है डिवाइस जो है यहाँ पर मतलब डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर फ्लैश कर देगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और ये न्यूज़ अभी तक किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि मैंने खुद चेक किया तो मुझे भी पता चला, वरना मुझे भी नहीं पता चला था, क्योंकि मैंने इसको अपने फ़ोन में मैं हर इस रोम को हर 10 दिन के अंदर जो है फ्लैश करता हूँ। इससे क्या होता, फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैंने 2-3 दिन पहले इसको चेक किया था तो ये अपडेट सस्पेंडेड था, तो मैंने फिर दूसरे दिन चेक किया तो भी नहीं हुआ, लेकिन आज इसको मैंने चेक करके देखा तो यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और यहाँ पर ये डाउनलोड भी अब हो रहा है। अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी है तो आप चूज़ अपडेट पैकेज में जाकर इसको चेक करोगे तो ये फाइल यहाँ से डाउनलोड नहीं होगी। अभी आप देखोगे कांट अपडेट यहाँ पर दिखा देगी, तो ये बहुत बेकार सी चीज़ है। इसी वजह से हमारे फ़ोन में इतने ज़्यादा बग्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन यहाँ पर हो चुकी है। तो यार अभी अपने सिस्टम अपडेट में जाओ और इस फाइल को डाउनलोड करो और मज़े लो लेटेस्ट पैकेज के। तो देख सकते हो ये फाइल हमारे फ़ोन में फ्लैश नहीं हो रही है, लेकिन आप इस अपडेट को यहाँ से डाउनलोड करिए तो ये डाउनलोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी। तो ये बहुत सिंपल वे है, अभी जाओ अपने फ़ोन में डाउनलोड करो और यहाँ पर मज़े लो लेटेस्ट अपडेट के। और गाइस यहाँ पर इसकी अगर फाइल यहाँ पर अवेलेबल होती है, अगर लिंक अगर कोई आता है तो मैं ज़रूर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नहीं तो यहाँ पर ऑफिशियल फाइल जो है ऑफिशियल मेथड वाली वो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड इसको बस कर लेना है और अपने फ़ोन में फ्लैश कर लेना है और आपके फ़ोन में सारे ही बग्स यहाँ पर दूर हो जाएंगे। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी यार काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।